Assalamualaikum दोस्तों, आई एम उसामा फ्रॉम AHTech। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अभी पाकिस्तान में आया नहीं है, लेकिन उसका टीज़र आ गया है पाकिस्तान में। सो उस फोन के स्पेसिफिकेशन बताऊँगा ताकि अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको किसी अनबॉक्सिंग का वेट ना करना पड़े, आपको किसी रिव्यू का वेट ना करना पड़े, बिकॉज ये फ़ोन ऑलरेडी ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। सो अब बारी है इसके पाकिस्तान में लॉन्च होने की। सो पाकिस्तान में इसकी जो डेट है वो अभी तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन Xiaomi ने अपने ट्विटर पेज पर इसका टीज़र डाल दिया है और मैं आज आपको इसी के स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको और भी ऐसे टेक वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कहा जा रहा था कि ये जो फ़ोन है ये पाकिस्तान में नहीं आएगा, ये पाकिस्तान में आएगा लेकिन Redmi Note 10 सीरीज़ के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जितने भी टेक ट्यूबर थे पाकिस्तान के अंदर उन सब की उम्मीदों पर Xiaomi ने पानी फेर दिया और Xiaomi ने इसको टीज़ कर दिया है अपनी Mi 10 T सीरीज़ के नाम से, और ये उनका सबसे लाइटर वेरियंट होगा, Xiaomi का Mi 10 T लाइट। हो सकता है इसके नाम के आगे Xiaomi 5G भी ऐड कर दे, लेकिन आई डोंट नो 5G आप पे काम आएगा भी या नहीं आएगा। और वैसे इसका नाम ऑलरेडी इतना लंबा हो गया, अगर 5G ऐड कर दें तो आई थिंक कुछ और भी लंबा हो जाएगा, लाइक Xiaomi Mi 10 T Lite और साथ ऐड कर दें 5G। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो फ्रंट और बैक दोनों पर आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, और जो आपका फ्रेम है वो आपको मिलता है प्लास्टिक का, क्योंकि जो इसका बिल्ड डिज़ाइन है वो है ग्लास का। सो इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट है 214 grams का। और अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो आपको मिलता है 6.67 inches का पंच होल वाला डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको प्रोटेक्शन मिलती है Gorilla Glass 5 की, और आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो आप Netflix वगैरह पे स्ट्रीमिंग करते हैं तो जो आपको वो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, और जो आप पे कलर सेचुरेशन होगी और जो कलर स्कीम होगी वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर ब्राइटनेस की बात की जाए तो वो आपको 450 निट्स मिलने वाली है। एक लास्ट चीज़ जो डिस्प्ले के बारे में स्पेशल है वो ये कि जो इसका डिस्प्ले है वो आपको मिलेगा 120 रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब अगर आप गेमिंग करते हैं या और भी कुछ ऐसे हैवी टास्क करते हैं तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसकी रीज़न ये होगी जब आप इसको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को यूज़ करेंगे देन यू फील द डिफरेंस कि जो 60 हर्ट्ज क्या चीज़ है और 120 हर्ट्ज क्या चीज़ है। और अगर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात की जाए तो वो आपको मिलता है फुल HD प्लस का डिस्प्ले। अब हम बात करेंगे इस फोन के हार्डवेयर के बारे में, और अगर हार्डवेयर की बात की जाए आपको यहाँ चिप मिलता है स्नैपड्रैगन का, और वो भी लेटेस्ट चिपसेट। आई थिंक ये पहला ऐसा फोन होगा जो पाकिस्तान के अंदर इस चिपसेट के साथ आएगा। इस चिपसेट का नाम है स्नैपड्रैगन 750G। वैसे मैंने अभी तक ये चिपसेट ट्राई तो नहीं किया, लेकिन इसके बारे में काफी सुना है इंटरनेशनली कि जो चिपसेट है काफी पावरफुल है, पावर एफिशिएंट है, और ये प्रोसेसर 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बनाया गया प्रोसेसर है। और CPU की बात की जाए तो वो आपको मिलता है ऑक्टाकोर, और अगर बात की जाए GPU की तो वो आपको मिलता है एड्रीनो का 619, जो कि एक अच्छा GPU है, और CPU भी अगर देखा जाए तो अच्छा CPU है। ऑब्वियसली जब यह आएगा इंशाल्लाह हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये फोन कैसा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड का एंड्रॉयड 10 मिलता है, और अगर UI की बात की जाए तो उसके अंदर आपको MIUI 12 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। और इस प्रोसेसर की एक खास बात होने वाली है वो ये कि जो प्रोसेसर है ये 5G सपोर्टेड है, मतलब 4G तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर जब पाकिस्तान में 5G आएगा तब इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में इसके जो दो वेरिएंट है वो लॉन्च किए जाएंगे, एक वेरिएंट है 6GB रैम वाला जो कि 64GB के साथ भी आता है, और दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम वाला जो कि 128GB वेरिएंट के साथ आता है। लेकिन इन दोनों स्टोरेज ऑप्शंस के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होने वाला है। अगर आप 6GB 64GB वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको मिलेगी UFS 2.1, और अगर आप 6GB 128GB वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको मिलेगी UFS 2.2, मतलब जो इनकी रीड एंड राइट स्पीड की थोड़ी सी स्पीड होगी उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। अब बात करते हैं इसके बैक कैमरा के बारे में। बैक कैमरा की बात की जाए तो आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। पहला मेन कैमरा आपको मिलता है 64 megapixel, उसके बाद आपको सेकंड कैमरा मिलता है 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड सेंसर, थर्ड कैमरा मिलता है आपको 2 megapixel का डेप्थ सेंसर, 2 megapixel का मैक्रो सेंसर। और अगर बैक कैमरा की बात की जाए तो इससे आप 4K की रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं। और अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो वहाँ आपको मिलता है 16 megapixel का सेल्फी शूटर, जिससे आप 1080p की मैक्सिमम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात की जाए तो आपको सभी पोर्ट्स एंड बटन्स मिलते हैं, और आपको 3.5mm का जैक भी मिलता है। उसके अलावा जो आपका पावर बटन है वो डबल अप है विद फिंगरप्रिंट सेंसर। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस रेंज के अंदर जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा आपको सभी सेंसर इसके अंदर मिलने वाले हैं, और गेमिंग के लिए आपको जायरो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप गेमिंग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई फ़ोन ख़रीदें कोई 50 से कम की रेंज में, तब ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन होने वाली है। मुझे उम्मीद तो है कि इसकी जो प्राइस है वो कोई 45 से 55 के राउंड अबाउट आएगी इसके दोनों वेरियंट की प्राइस। सो हो सकता है कि जो Xiaomi है वो थोड़ा एग्रेसिवली आए। इसकी प्राइस जैसे ही कन्फर्म होगी
नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी प्राइस को अपडेट कर दूंगा। और अगर चार्जिंग की बात की जाए तो इसके अंदर जो आपको बैटरी का साइज मिलता है वो आपको मिलता है 4820, और चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो वो आपको मिलती है 33 वॉट की। और अगर इसके कलर्स की बात की जाए तो उसके अंदर आपको 3 कलर्स मिलेंगे, एक कलर है एटलांटिक ब्लू, दूसरा कलर है पर्ल ग्रे और तीसरा कलर है रोज गोल्ड पीच। सो इसके जो तीनों कलर हैं वो थोड़े मतलब ग्रेडियंट साइड पर आते हैं, जो इसके कलर्स हैं वो आपको थोड़े चेंज होते नजर आएंगे। उसकी रीज़न ये कि जैसे ही आप इनको लाइट की तरफ करेंगे कलर जो हैं वो आपको इसके काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएंगे। सो भाई ये थे कुछ मेन फीचर्स Xiaomi के Mi 10T Lite के। इसकी प्राइस का आइडिया मुझे जैसे ही होगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, और अगर आप इस फोन का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं उसके भी एक दो अच्छे अच्छे से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।